आजकल ऑनलाइन का ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, तो सभी चाहते हैं कि हमारा सब कुछ और सभी काम ऑनलाइन हो जाएं। चाहे खाने का, रिचार्ज करने का, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल हो, तो सब ऑनलाइन पे कर रहे हैं। अगर हम डिश टीवी का रिचार्ज ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके वीसी कार्ड की, जिसे व्यूइंग कार्ड बोलते हैं। पहले जो वीसी कार्ड आता था, वो बुक्स के अंदर डाला हुआ आता था, उसे हम बैक साइड से निकाल लेते थे और वो कुछ इस तरह से दिखता था। उसके यहाँ पे वीसी नंबर लिखा हुआ होता था। उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक करते थे लोग, जैसे ये डैश के बाद लास्ट में हाइफन और फोर लिखा हुआ है, हमें ये यूज नहीं करना होता था। ये 11 डिजिट का वीसी जो फर्स्ट 0 से लेके 3 एंड तक है, यही वीसी नंबर होता था, यही हमें यूज करना होता था। आजकल बॉक्स में इन बिल्ड वीसी कार्ड आने लगा है, तो ये हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो अब जो बॉक्स है, इनका वीसी हम कहाँ से लेंगे और ये कैसे पता चलेगा, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सामने बॉक्सेस दिखा रखे हैं, जो नीचे वाला ये वीसी कार्ड का है, और ऊपर वाले दो बॉक्सेज हैं, डिश नेक्स्ट DCH2090S और डिश नेक्स्ट है, और जिंग वाला बॉक्स आ रहा है, भी उसमें भी वीसी कार्ड इन बिल्ड आ रहा है। तो इन सभी में वीसी कार्ड इन बिल्ड आता है, जो नीचे वाला बॉक्स है उसमें वीसी कार्ड अलग से लगता है। अगर हम देखते हैं जो हमारे आजकल बॉक्सेज आ रहे हैं, उनके नीचे एक स्टिकर लगा होता है, एक बॉक्स इस टाइप का आ रहा है और दूसरा वाला ये बॉक्स है 5004HD मॉडल है, इसके नीचे भी एक स्टिकर लगा होता है जिसमें सीरियल नंबर, चिप आईडी और VSC नंबर लगा होता है। तो रिचार्ज करने के लिए हमें जो नंबर चाहिए वो VSC नंबर है, ये 02 से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखें, चिप आईडी या सीरियल नंबर हमें रिचार्ज के लिए यूज नहीं करना है, VSC नंबर करना है। VSC नंबर जो बॉक्स के नीचे ऐसे स्टिकर लगा होता है, उसपे 11 डिजिट का VSC नंबर है, यही व्यूइंग कार्ड नंबर है, यही डाल के हमें रिचार्ज करना होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।